उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आवारा कुत्तों से होने वाली दिक्कतों से शहरवासियों को बचाने के लिए निगम प्रशासन के पास न कोई योजना है और न ही कोई नीति है। रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक चरम पर है। आए दिन कुत्ते शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, जिससे शहरवासी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए नगर निगम के पास न तो डॉग हाउस की व्यवस्था है और न निगम प्रशासन के पास डॉग कैचर टीम है, जिसका खामियाजा शहरवासी लगातार भुगत रहे हैं। हालात ये हैं कि शहर में कुत्ते कहीं किसी नाबालिग की नाक काट ले रहे हैं तो कहीं किसी के पैर को जख्मी कर दे रहे हैं, जिसको लेकर शहरवासी शासन प्रशासन से कुत्तों के आतंक पर लगाम लगाने की अपील कर रहे हैं। देखोगे आप मकई चौक से ले लो, आप मकई चौक से बालक चौक इधर सदर में देखोगे कुत्तों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी बीच की घटना है कि कुछ धमतरी के आसपास शहरों में मतलब आज मैं भी दो तीन दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि एक साथ 12 लोगों को कुत्ता काटा है। तो ये ऐसे शहर में नहीं होना चाहिए भाई। वहाँ हुआ तो निगम को सोचना चाहिए, शासन प्रशासन को सोचना चाहिए। एक महीने में कुत्तों ने 20 लोगों को बनाया शिकार। कुत्तों ने एक व्यक्ति के पैर को बनाया निशाना। कुत्तों ने एक नाबालिग की नाक नोच ली। एक व्यक्ति के सीने पर हमला कर घायल किया। महिलाओं का सड़क पर निकलना हुआ मुश्किल। कुत्ते झुंड में बच्चों पर करते हैं हमला। शहर में करीब 18 साल पहले डॉग हाउस बनाने की पहल शुरू हुई थी और ये पहल करने वाला कोई और नहीं, शहर के तत्कालीन नगरपालिका सीएमओ एसके सुंदरानी थी, जिसके बाद विभाग के जिम्मेदारों ने डॉग हाउस के लिए जगह की तलाश शुरू की थी और एक वार्ड में जगह चिन्हित की गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सिटी बस डिपो के निकट डॉग हाउस को मूर्त रूप देने की योजना बनाई गई। हालांकि इससे पहले कि वो डॉग हाउस बनाने की प्रक्रिया पूरी कर पाती, उनका स्थानांतरण हो गया और डॉग हाउस निर्माण का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, नगर निगम में इसके पूर्व भी ये घटनाएं बहुत बड़ी थी। हमने नगर निगम का ध्यान आकर्षित किया था, आप अखबारों के माध्यम से हमने कई बार विज्ञप्ति भी दिया है। और चूंकि नगर निगम के सब निष्क्रिय जवाबदार लोग बैठे हैं, उनको शहर से कोई मतलब नहीं है और वो अपनी जवाबदारी से विमुक्त हो गए। कई मामलों में ऐसी परिस्थितियाँ बनी है। अब आप माननीय महापौर से पूछिए कि वो क्या करते हैं शहर हित में। वर्तमान में जो स्थितियां हैं, कई जगह अखबारों में लगातार कुत्ते दौड़ा रहे, भौंक रहे हैं। साल 2011-12 में करीब 1000 कुत्तों की नसबंदी की गई। साल 2015-16 में करीब 550 कुत्तों की नसबंदी की गई। साल 2016-17 में करीब 500 कुत्तों की नसबंदी की गई। वर्तमान में शहर में करीब 5000 आवारा कुत्ते हैं। नगर निगम डॉग हाउस का करे निर्माण, आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग हाउस में डाला जाए, समय समय पर कुत्तों की नसबंदी कराई जाए, निगम प्रशासन कुत्तों की जनसंख्या पर रखे नजर, कुत्तों को एंटी रेबीज टीका लगाया जाए, निगम प्रशासन चलाए जागरूकता अभियान। पूरे मामले पर महापौर से बात की गई तो महापौर विजय देवांगन ने बताया कि जहां से भी कुत्तों से दिक्कत की शिकायत मिलती है, हमारी टीम मौके पर पहुंचकर कुत्तों को पकड़कर शहर के बाहर छोड़ देती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में नगर निगम की ओर से डॉग हाउस बनाने की कोई योजना नहीं है। जहाँ जहाँ पे भी शिकायत प्राप्त हो रही है, हमारे द्वारा नगर निगम की टीम के द्वारा पकड़ कर उसे शहर से बाहर करते हैं और अभी भी आगे करेंगे। इसमें चूंकि सरकार का निर्देश है कि हम कुत्ते को ना मारें, इसलिए उसको मार पाते नहीं हैं, पकड़ पकड़ के बाहर करने का काम करते हैं। जहाँ जहाँ भी शिकायत आती है उसको पकड़ पकड़ के बाहर करने का काम करते हैं। शहरवासियों की परेशानी और पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच ये देखने वाली बात होगी कि शहर के लोगों को आवारा कुत्तों के आतंक से कब निजात मिलती है और कब दिन हो या रात जिलेवासी बिना कुत्तों के खौफ के सड़कों पर निकल पाते हैं। धमतरी से नंदकुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।